साल 1957 में बना शिमला का मशहूर इंडियन कॉफी हाउस, जहां दिन भर कॉफी की चुस्कियों के साथ कई बार सरकारें बनती हैं और कई बार सरकारें गिरती हैं। इस इंडियन कॉफी हाउस की कॉफी के दीवाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी भी यहाँ की कॉफी का आनंद ले चुके हैं। यही नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंडियन कॉफी हाउस की कॉफी के दीवाने रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो बहुत टाइम से यहाँ पे रहे, 95-96 के बाद वो यहाँ पे प्रभारी थे। उस टाइम वो हर रोज बैठते थे, लेकिन हमें किसी को भी ये मालूम नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो इसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी बनने के बाद भी मोदी जी कई दफ़े आए यहाँ पे, दो दफ़े आए। तो एक दफ़े तो वो गाड़ी स्लो किया गेट के पास से, स्लो धीरे धीरे चली गाड़ी, लेकिन उस टाइम बैरिकेड जो लगे हुए थे वो काफ़ी ऊंचे थे, नहीं मालूम हुआ उनको, निकल गए। लेकिन और उन्होंने फिर मंच पे जाके कॉफ़ी हाउस की तारीफ की वहाँ पे जाके, और जब वो दूसरी दफ़े आए तो वो उन्होंने फिर वो सीधे कॉफ़ी हाउस में ही आ गए अंदर। बाहर से उसको कॉफ़ी मांग लिया उन्होंने और पैदल हो गए वो यहाँ से, हमारे कोई 100 गज दूरी से वहाँ से पैदल आ गए थे। पैदल चल के फिर उन्होंने कॉफ़ी मांगा तो काफ़ी अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत तारीफ किया कॉफ़ी हाउस का। न केवल राजनेता बल्कि बॉलीवुड अभिनेता भी यहाँ की कॉफ़ी के दीवाने हैं। कलाकार जब भी शूटिंग के लिए शिमला आते हैं तो यहाँ की कॉफ़ी की चुस्की लेना नहीं भूलते। इंडियन कॉफ़ी हाउस का ऐतिहासिक महत्व बनाए रखने के लिए यहाँ वेटर पारंपरिक वर्दी में नजर आते हैं, और साल 1957 से अब तक कॉफ़ी हाउस की बनावट में भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। कॉफ़ी हाउस की व्यवस्था में कोई चेंजिंग नहीं है, जो शुरू से थी व्यवस्था वही एज इट इज उसी तरीके से है, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है। और जैसा कि माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि जो कॉफ़ी का टेस्ट आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले था वही आज भी है। किसी भी चीज़ की कोई परिवर्तन हमने आज तक नहीं किया हुआ है, जो पहले से चल रहा है उसी टाइम से, 1957 से जो व्यवस्था थी उसी तरीके से चल रहा है अभी तक। साल 1957 में उत्तराखंड के श्याम नेगी और मद्रास के ए के नैयर ने इंडियन कॉफ़ी हाउस की स्थापना की थी। ये इंडियन कॉफ़ी हाउस आज न केवल लोगों के बैठने की पसंदीदा जगह है, बल्कि इससे कई लोगों के घर परिवार का गुजर बसर भी हो रहा है। समय बीता, दौर बदला, कुछ नहीं बदला तो वो है यहाँ की कॉफ़ी का स्वाद। क्या युवा क्या बुजुर्ग, हर कोई यहाँ की कॉफ़ी का दीवाना है। दिन भर काम में चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन कॉफ़ी के दीवाने कॉफ़ी पीने का समय ज़रूर निकाल लेते हैं। अंकुश डोभाल, ETV भारत, शिमला।